गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मेरा नाम आनंद वत्स है। मैं गोल संस्थान की तरफ से आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब जबकि नीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे, पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सारे बच्चे उत्साहित हैं, क्योंकि बहुत ही लंबे अंतराल के बाद एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद रिजल्ट के लिए भी काफी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी एंड फाइनली रिजल्ट आ चुका है। सब बच्चे कल रात से ही अपना रिजल्ट देख रहे हैं वेबसाइट पे जाकर के, और रिजल्ट देखने के बाद जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मार्क्स को या रैंक के अकॉर्डिंगली, कुछ बच्चों के मार्क्स, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स उसी के अनुरूप आए हैं। कुछ बच्चों हो सकते हैं कि मायूस भी हुए होंगे, उनके मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं गोल की बात करूँ तो गोल संस्थान से अभी इस बार 2021 नीट में 5,640 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं नीट 2021 के लिए। अगर मैं बात करूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस साल जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने की संभावना है गोल संस्थान से, तो लगभग ये संख्या 550 प्लस हैं। वे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इस वर्ष गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोल का एक बहुत ही अभिन्न अंग रहा है, वो है चैलेंजर एंड फाइटर ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप स्टूडेंट्स का होता है जो स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसी दरमियान उनका टेस्ट, एक कॉमन टेस्ट लिया जाता है हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, और वैसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करके इस ग्रुप को बनाया जाता है। इस ग्रुप से इस बार अगर मैं सक्सेस रेशियो का बात करूं, हालांकि देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से इसका सक्सेस रेशियो सिमिलर रहा है, और यही कारण है कि 100% स्टूडेंट्स इस बार भी चैलेंजर से क्वालिफाई कर रहे हैं जिन्हें कि कॉलेजेस मिल रहे हैं। गोल एजुकेशन विलेज, चैलेंजर की तरह ही गोल एजुकेशन विलेज गोल का एक अभिन्न अंग है, और यहाँ पर रह करके बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स जाते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, और एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद वहाँ जाने का उनको मौका मिलता है, या नीट में अच्छे स्कोरर रहते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो गोल विलेज से इस बार 100% स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं वहाँ पे। अगर उनकी बात करूं कि कितने स्टूडेंट्स को वहाँ से कॉलेजेस मिलेगा, तो ये संख्या अभी 75% प्लस पे जा रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 2021-2020 की तरह ही कोविड के बावजूद भी गोल के लिए बहुत ही अच्छा रहा। स्टूडेंट ने इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और इनका रिजल्ट रहा। आज हमारे साथ जो इस कड़ी में टॉपर्स टॉक में जो जुड़े हुए हैं, ये हैं आनंद मिश्रा, जो कि गोल विलेज के स्टूडेंट रहे हैं, गोल के स्टूडेंट रहे हैं। इनका जो रैंक और मार्क्स आया, मैं चाहूँगा कि आपके सामने डिस्कस करें और बताएं। तो सबसे पहले आनंद, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके इस सक्सेस के लिए। नीट 2021 का आपकी तैयारी कैसा था, कितना मार्क्स आया आपका और क्या रैंक आपका, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स आपके थ्रू जाने। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि इस बार नीट 2021 में आपका क्या रैंक और मार्क्स रहा है। सर, मार्क्स 680 था, रैंक 933 था, जनरल रैंक 933 था। क्या आपको लगता है जो ये रैंक और मार्क्स आपके आए हैं, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? जितनी आपने मेहनत की थी उसी अनुरूप ही आपका आया है? यस सर, बिल्कुल उसी के अनुरूप है, और गोल का भी उसी हिसाब से प्रेडिक्शन था, लगभग उसी हिसाब से सर सब कुछ रहा है। गोल का प्रेडिक्शन भी आपको लग रहा है उसी के अनुरूप था और उसी अनुरूप आया है? जी सर। तो ये जो रैंक और मार्क्स आए हैं, तो आपने कहा कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी अनुरूप आपके मार्क्स आए हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन कैसे आपने प्रिडिक्ट किया? जैसे आपको लग रहा था कि मैंने मेहनत उतना किया है, या जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी हिसाब से मेरे रिजल्ट आ रहे हैं? कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे, टेस्ट को आप कैसे ले रहे थे, ये पूरी चीज़ हम लोग एक बार जानना चाह रहे हैं। सर, शुरू में तो सर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट होता गया, रैंक ठीक आया, फिर मैं मेरा चैलेंजर ग्रुप में भी हुआ, और लगातार बिपिन सर, आनंद सर से बात होते रहता था, और टेस्ट का जो प्राइज़ मिलता था वो स्टेज पे जाके लेना, ये सब अक्सर हमको कॉन्फिडेंस मिलाता था। उसके अलावा दोस्तों से बातचीत करना, उनसे ग्रुप डिस्कशन करना, खाने के बाद थोड़ा देर 2 घंटे के आसपास ग्रुप डिस्कशन करते थे, इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ, हम लोग को नॉलेज बहुत एक्सचेंज होता था एक दूसरे में। उसके बाद मेनली मैं दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है, और गोल इंस्टीट्यूट तो 100% हकदार है सर इसका। जैसा कि अभी आपने कहा कि गोल एजुकेशन विलेज में मैं रह रहा था, वहाँ दोस्तों के साथ डिस्कशन, पढ़ने का जो आपने प्रारूप बताया अभी कि स्टूडेंट के साथ डिस्कशन मैं करता था, साथ में लाइब्रेरी वहाँ का था, तो गोल एजुकेशन विलेज का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में? क्या कुछ ऐसा वहाँ व्यवस्था था जो कि आपको लगा कि आपके इस अच्छे स्कोर में, जो कि अब आपका जो स्कोर आया इसके आधार पर आप इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में जाने वाले हैं, तो इस स्कोर पे आपको क्या लग रहा है कि गोल विलेज में वो व्यवस्था कैसी थी जिसने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचा? एकदम 100% आइडियल व्यवस्था कह सकते हैं एकदम सर। जो गोल को सर, गोल विलेज को सर, जो मॉडर्न गुरुकुल कहा जाता है एकदम सर, सही मायने में कहा जाता है। वहाँ सर मोबाइल से हम लोग को अलग कर दिया जाता था, लास्ट मतलब खाने के बाद
आधा घंटा के लिए दिया जाता था, जिससे हम लोग अपना मैसेज पापा मम्मी तक पहुंचा पाते थे। और बाकी हर एक तरह का डिस्ट्रैक्शन अलग था, वहाँ पे एकदम अंदर हम लोग रह के पढ़ते थे, कोई मार्केट या कोई इधर उधर से कोई वास्ता नहीं था। और वहाँ सर जो मतलब एवरेज लड़के थे वो भी सर बहुत आउट परफॉर्म कर जाते हैं उनको, और सर उनको देखते देखते जो सर लो स्कोर रहते हैं वो भी सर एवरेज बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, एकदम सर माहौल बन जाता है, एकदम कम्पिटिटिव माहौल बन जाता है कि सर वो पढ़ रहा है तो हमको ही पढ़ना चाहिए, एकदम बढ़िया होता है। लाइब्रेरी में सर 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक पढ़ते रहते थे सर, वहाँ पे लाइट चलता रहता था सर, बहुत अच्छा फैसिलिटी है वहाँ पे। बहुत सही कहा आपने आनंद, मैं इसमें बता भी दूं आपको कि जिस सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका गोल विलेज का रहा है, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, अनडाउटली वहाँ पे जो व्यवस्था है उसमें वैसे स्टूडेंट, जिसका कि इन्होंने खास करके जिक्र किया कि एवरेज स्टूडेंट जो खास करके वहाँ जाते हैं, और एवरेज स्टूडेंट के पास भी परफॉर्म करने का एक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। ये कंडीशन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि एक जगह पर जहाँ पे बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट के अंदर इंस्पिरेशंस आता है, मोटिवेशंस आता है, और सेल्फ ड्राइव करते हैं अपने आप को, और यही कारण है कि वो अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। और इसके लिए जो व्यवस्था इन्होंने बताई, और हम लोग की कोशिश होती है गोल विलेज में कि वैसे स्टूडेंट जो एवरेज भी हैं या जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो आपस में डिस्कशन करें। लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी इन्होंने बताया कि अनडाउटली लाइब्रेरी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म वहाँ पे बना है जो अपने आप में एक साइंटिफिक वे में तैयार करके बनाया गया है, और स्टूडेंट 24/7 अपने कंफर्ट लेवल के आधार पे वहाँ पे जा करके पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा आनंद, जो आपने कहा कि गोल विलेज के बारे में और गोल के बारे में, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने जाना पहली बार कि गोल कहाँ पे है और गोल में ही मुझे एडमिशन लेना है या गोल विलेज जाना है, ये पूरी बात हम लोग जानना चाहते हैं। सर सोसाइटी में सर जहाँ हम रहते हैं हाजीपुर में, अक्सर चर्चा होते रहता है, मेरे पापा के जो दोस्त के बेटे और भैया लोग हैं वो भी सर बहुत अच्छा किए हैं, गोल से ही जुड़े हुए थे, तो पापा को भी लगा कि नहीं अगर बिहार में रह के बहुत अच्छा करना है तो सर गोल से अच्छा नहीं है कुछ है। और सर फिर आगे सर गोल को देखते भी थे और भैया लोग से भी बात होते रहता था, अक्सर जान पहचान है जो अच्छे से टॉप कॉलेज में आज से 4-5 साल पहले भी पढ़ रहे थे, तो उन लोगों ने भी सजेस्ट किया कि गोल बेस्ट है, अपने माहौल में रहा जाता है, यहाँ मतलब फैमिलियर है, बिहार से ही है, बहुत फैमिलियर है, मतलब बहुत सर इन्वायरमेंट के बहुत दूर जाके नहीं पढ़ना होता, और सर बेस्ट यहाँ दिया जा सकता है। अच्छा, एक मैं सवाल जानना चाहूँगा, चूंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि आपने फाइनली गोल का सिलेक्शन किया, जबकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या आपके दिमाग में या माइंड में कभी ये नहीं आया कि मैं कहीं और चूज़ करूँ, यहाँ मेरे पास चूँकि लास्ट ईयर आप कुछ मार्क्स से मुझे लगता है छूट गए थे, जैसा कि 602 या 603 के लगभग में, सॉरी 607 नंबर इनका था, और लास्ट ईयर ये इनका कट ऑफ के आधार पर इनका सिलेक्शन मेडिकल MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं हुआ था, तो आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं संस्थान को छोड़ करके किसी और संस्थान का सिलेक्शन करता हूँ, कुछ ऐसे आपके दिमाग में विचार आए थे, या फिर गोल को ही कंटिन्यू करूँ तो क्यों करूँ? हाँ सर, मतलब सर ऑप्शन तो सर बहुत सारा था, लेकिन सर पता था कि सर नॉलेज से बस नहीं होता है, नॉलेज को जो सर रैंक में और मार्क्स में सर कन्वर्ट करता है वो सर टेस्ट के माध्यम से ही होता है, और सर गोल तो सर टेस्ट के लिए फेमस है, मतलब सर सर नॉलेज के लिए तो सर बहुत सारा बुक भी घर पे बैठ के बना सकते थे और खुद से भी पढ़ सकते थे, लेकिन सर मेन जो उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना, उसे रैंक तक पहुँचाना, वो सर बस टेस्ट के माध्यम से हो सकता है, और वो सर बस गोल ही कर सकता है। लगातार सर 100 टेस्ट देते थे एकदम, और सर बीच में टेस्ट छोड़ते भी थे तो सर विपिन सर आके डांटते थे कितना टेस्ट दो, प्रैक्टिस होगा, OMR से हम लोग का सर ऑफलाइन प्रैक्टिस होता था, उसे बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ जी सर। तो हम लोगों ने, मुझे जहाँ तक याद है कि ऑलमोस्ट 150+ टेस्ट हम लोगों ने लिया था उस कोविड में पीरियड में भी, और वो भी ऑफलाइन हम लोगों ने लिया था, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे मैं इरिटेशन या फिर नेगेटिविटी कुछ इस तरह का हो रहा था? नहीं सर, हम लोग का ग्रुप ही इतना अच्छा था कि सर अगर एक को लगता भी था आज टेस्ट नहीं देंगे तो सर 2-3 आदमी उसको डांट देते थे, बोलते थे अब हम लोग जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, तुमको भी चलना है, और सर ग्रुप इतना अच्छा था कि सर सब लोग साथ में जाते थे टेस्ट देने के लिए, और उसके साथ जब रैंक आता था तो एक कम्पिटिटिव माहौल बनता था, और फिर सर उस टेस्ट का एनालिसिस करना और उसका फिर रिकॉल डायरी में बना के याद करना उसको, और सब सर इतना ग्रुप में होता था कि सर ऐसा नेगेटिविटी तो नहीं आता था, लेकिन बीच में आता था तो सर उस समय एग्जैक्ट उसी टाइम में लगभग सर विपिन सर का ऑडियो क्लिप भी आ जाता था जिसमें टेस्ट का महत्व बताते थे, हम लोग भैया से भी फोन वोन पे अगर बात करते थे तो वो भी बस इतना ही बोलते थे गोल का बस टेस्ट दे दो और इसका जो गलत हुआ है क्वेश्चन वो रिकॉल डायरी में बना के याद कर लो, काफी है उतना। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, यानी टेस्ट एक गोल की एक परंपरा रही है। मैं बात करता हूँ कि सर जो नए पैटर्न पर टेस्ट हुआ वो तो सर एकदम लाजवाब, उसी सवाल पे मैं आ रहा था अभी कि चूंकि इस बार 2021 में जस्ट मुझे लगता है कि 1.5 मंथ लगभग 1.5 महीने का वक्त था
जिसके पहले एनटीए की तरफ से आया था कि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, और बदले हुए पैटर्न में गोल ने जिस तरीके से कमबैक किया या आप लोगों को प्रोवाइड किया, उसमें क्या लगता है आपको कि वो सही था और चीज़ें सही समय पर आपको मिल गई थी? हाँ सर, एकदम सही समय पर मिला वो सर। बल्कि पहले तो लग रहा था कि सर अब 180 का प्रैक्टिस है, कैसे होगा, लेकिन बहुत सारी निगेटिविटी भी आया था। लेकिन जस्ट जैसे ही सर वो नोटिस आया, उसके जस्ट एक दो दिन बाद आप लोग का भी सेमिनार लगा, आप लोग भी बताए कि 200 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोग के लिए फेवरेबल ही होने जा रहा है। और सर जहाँ ऑल इंडिया के लड़के सर बस ऑनलाइन मोड पे ही दे रहे थे, हम लोग सर ऑफलाइन मोड पे भी वहाँ दिए हैं टेस्ट, और बहुत सारा टेस्ट हुआ सर, AITS स्पॉट लगातार 200 क्वेश्चन वाला हुआ। उससे सर टाइम मैनेजमेंट भी हुआ, क्योंकि सर हम लोग को 20 क्वेश्चन ज्यादा पढ़ के भी बनाना था और छांटना भी था, तो सर वो सर बहुत फेवरेबल गया। हाँ सर, नीट में भी लग रहा था सर जैसे कि गोल का ही क्वेश्चन आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो सर डिक्टो गोल जैसा लग रहा था। तो चूंकि अभी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और लिसनर्स अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो आप आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बदले हुए पैटर्न को क्या कहना चाहेंगे कि वो पॉजिटिव है, उसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए और उसके अनुरूप भी वो अच्छा कर सकते हैं? श्योर सर। तो आप, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि बदले हुए पैटर्न में भी वो कंफर्टेबल हैं जिस तरीके से आपने अपना किया है परफॉर्म। तो एक मैं चाहूंगा एक मैसेज आप बता दें हमारे व्यूअर्स को। बदला हुआ पैटर्न निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए था इसमें, क्योंकि जो रंजय सर हमेशा करते हैं, कहते हैं कि हमको एडवर्स में बेस्ट देना है, और सर और एक्चुअली हम लोग के लिए जस्ट फायदेमंद है, जिसका स्पीड थोड़ा बन जाए गोल के प्रैक्टिस के टेस्ट के प्रैक्टिस के थ्रू, बहुत अच्छा किया जा सकता है। जब 200 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें कुछ अगर हार्ड क्वेश्चन आ भी जाता है, इसको जो छोड़ने का माध्यम ये दो चीज़ सिखाता है, एक तो छोड़ के अच्छा रैंक भी लाया जा सकता है, और एक छोड़ने का जो प्रैक्टिस होता है ये भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो 607 से लेकर के 685 तक का सफर जो आपने तय किया, 680 तक आप जो पहुंचे हैं, तो इस दरमियान आपका डिसीजन कैसे आपने लिया? जब 607 आया होगा तो बहुत हद तक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब शायद मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप उस समय ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो गए होंगे जी। तो किस तरीके से आपने कमबैक किया और उसमें किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लगा के रहा? सर एक्चुअली 607 पे लग रहा था कि मिल जाएगा, और बहुत यूट्यूब वाले सब भी बोल रहे थे कि 607 पे 16,884 रैंक था, तो लग रहा था मिल जाएगा। लास्ट मॉपअप तक भी दौड़े थे, बिहार के मॉपअप तक भी, लेकिन नहीं मिला। तो फिर लग रहा था कि अब क्या होगा, इतना हाई रैंक पे, इतना हाई नंबर पे भी नहीं मिला। तो फिर आनंद सर के पास आए थे, उसी अगले दिन आए थे आनंद सर के पास, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ इस बार, अगला बार टॉप 10 कॉलेज में जाना है और बहुत अच्छा करना है, अंडर 1000 रैंक लाना है और बहुत अच्छा करना, अच्छा हुआ जो नहीं हुआ। और सर वही अब देखने के लिए मिल रहा है। शुरू में तो सर पढ़ने में तो लग रहा था कि फिर से इतना पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप डिस्कशन हुआ और टेस्ट के माध्यम से स्पॉट टेस्ट का सर जो पैटर्न आया, उस हिसाब से जो सर पढ़ते गए, टॉपिक वाइज टेस्ट करते गए, और बीच में सर जो सरप्राइज टेस्ट होता था वो तो सर लाजवाब था। वो तो सर मतलब रात के 2-2 बजे सर जगह जगह के मैं दोस्त सब ले जाता था, चलो टेस्ट देने के लिए चलो, और वो देख के आते थे फिर सो जाते थे, और जैसे ही सर सुबह उठते थे उससे पहले रिजल्ट आ जाता था सर। और वो जो सर क्रिएटिविटी और कंपटीशन क्रिएट किया था कि कोई आगे ना निकल जाए, पढ़ते रहो, बहुत अच्छा किया था। यानी कि कोविड के समय में भी गोल के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि कोविड के फेज में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो अपने घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे थे, और वैसे कंडीशन में जबकि उनके घर में ही कुछ लोगों को कोविड इन्फेक्टेड हो चुके थे, और उस कंडीशन में एक स्टूडेंट्स को पढ़ना, अपने आप को परफॉर्म करना और अगले एग्जाम के लिए तैयार करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंज था। मैं आपको बता देता हूँ आज के इस टॉपर स्टॉक के माध्यम से कि वैसे वर्स्ट कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन था, फिर भी गोल विलेज में हमारे जो वैसे स्टूडेंट जो 2021 में एग्जाम देने वाले थे, एस्पिरेंट्स थे, वैसे स्टूडेंट्स को एक चैलेंज के तहत हम लोगों ने रखा, और वैसे स्टूडेंट को वो हर सुविधा हमने प्रोवाइड की जिसके तहत वो वहाँ पे रह करके अच्छी पढ़ाई कर सकें और 2021 में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकें। और यही कारण था कि गोल विलेज में रहते हुए सेकेंड फेज का जो कोविड का चल रहा था, हमारे कोई भी बच्चे वहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं हुए, क्योंकि इन हाउस हमने कैंपस को इस तरह से आइसोलेट करके हम लोगों ने रखा था। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे समक्ष, लेकिन मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को जो कि वहाँ पे रह के कर रहे थे, और साथ ही साथ वैसे पेरेंट्स जिनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला उस फेज में हमारे लिए, जिसके कारण हमारी पूरी टीम इस तरह से काम कर पाई। चलते चलते एक और सवाल मैं चाहूँगा आपसे रखना कि चूंकि अब आप इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में जाने वाले हैं, और वैसे कंडीशंस में आपको क्या लगता है जब आप पीछे मुड़ करके एक बार देखते हैं, तो कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिला था एक डॉक्टर बनने का, और जब ये फाइनली अचीव होने जा रहा है तो ये सफर आपको कैसे लगा और किन किन लोगों का इस बीच में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? सर डॉक्टर बनने का सपना तो सर 6-7 क्लास से ही था, और कहें तो उससे भी पहले से था, जब मेरे चाचा जो है वो सर कार्डियोलॉजिस्ट हैं,
और पीएमसीएच से ही पढ़े हैं, तो सर उनको भी देखते थे तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता था, पापा भी कहते थे। और जब यहाँ आए तो सर यहाँ तो एकदम देखे कि गोल का जो सपोर्ट मिला उसके थ्रू, और पापा मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा, घर पे भी बहुत अच्छा माहौल दिया जाता था कि घर का जैसे कोई बात जो है, मतलब जो सर था डाइवर्टिंग था वो मतलब हमको नहीं बताया जाता था ताकि हम यहाँ मन लगा के पढ़ सके। और यहाँ पे भी इतना आइसोलेटेड थे कि सर बस पढ़ने पे ध्यान देते थे और इधर उधर कोई बात नहीं होता था। और यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन हम लोग 15-15 घंटा पढ़ ली और बाकी 3-4 दिन सोए रह गए। इससे अच्छा है कि 7-8 दिन पढ़ेंगे, 10-10 घंटे पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ना है, क्योंकि ये लॉन्ग रेस है, तो लगा जो आराम जो दौड़ते रहेगा वही जीतेगा अंतिम में। चलिए, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। मुझे लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एक बहुत अच्छा मैसेज आनंद की तरफ से जा रहा है। इनका कहना है कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ने का हर दिन का अगर आपका माइंडसेट है, इतने आप ईमानदारी और विश्वास के साथ काम कर सकते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आज के स्टॉपर्स टॉक में आनंद मिश्रा, जो कि 680 मार्क्स इस बार नीट 2021 में ला रहे हैं, और इन्होंने जो बताया आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हमारा एक छोटा सा मकसद था, क्योंकि ये दिवाली का समय है और दिवाली के समय में जिस तरह का रिजल्ट गोल के स्टूडेंट्स ने किया है, गोल के छात्रों ने किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि का श्रेय हमारे पूरे संस्थान को, पूरी टीम को जाता है, इसमें हर किसी का उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है। इसी के साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि गोल का 25 वर्षों का सफर इस साल तय हुआ है, और ये 25वां वर्ष कुछ खास हो जाता है इन जैसे स्टूडेंट्स के कारण जो इतनी बड़ी सफलता हासिल करते हैं। 25 वर्षों में अगर 2020 की भी अगर मैं बात करूं, तो कोविड के कारण जब एडवर्स कंडीशन उस साल भी था, तो उस साल भी हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और यही कारण था कि ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग से, जहां तक मुझे बातें याद आ रही है, पिछले साल भी ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में दिल्ली एम्स में 2 हमारे छात्र गए थे, सिदरत बिलाल फरीदी और विक्रम। उसी तरीके से UCMS सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और BHU, ऐसे कई कॉलेजेस हैं इंडिया के टॉप लेवल के जहाँ पे हमारे सभी स्टूडेंट्स गए। ये लिगेसी मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है तो स्टूडेंट्स का होता है, जो अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ तक पहुँचते हैं। एक बार मैं आप सब लोगों को, पूरे गोल संस्थान की टीम को बधाई देना चाहता हूँ। चलते चलते मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चाहूंगा आनंद आपसे जानना कि फाइनली वो स्टूडेंट जो कुछ मार्क्स से इस बार छूट जा रहे हैं, कुछ मार्क्स है जिनका किसी कारण से, चुके अभी काउंसलिंग और बाकी प्रोसेस अभी आना बाकी है, अभी जस्ट ऑल इंडिया का रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू होगा, तो इस समय वैसे स्टूडेंट जो कुछ मार्क्स से इस बार छूट जाएंगे, चूंकि आपके पास भी एक कड़वा अनुभव रहा है पिछले बार का, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या स्ट्रांग मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या कितनी जल्दी से जल्दी उन्हें तैयारी क्या शुरू कर देनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ उनको मूव करना चाहिए, क्या सब कुछ भूलना चाहिए, और जो जो गलतियां वो खास करके किए हैं इस साल जिसके कारण कुछ मार्क्स से वो छूट रहे हैं, अगली बार वैसी चीज़ों को वो रिपीट ना करें, तो क्या आप स्ट्रांग मैसेज देना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि अगर लग रहा है कि नहीं होने वाला है या फिर कुछ नंबर से छूट जाएगा, तो ये एक रेस है, इसमें जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए दोबारा के लिए उतना आगे रहते हैं हम लोग, तो बेस्ट होता है कि जितना जल्दी हम लोग अपने आप को पैचअप करके और पढ़ने में जुट जाएं, क्योंकि जब एक गैप हो जाता है नीट से, नीट और होने नीट के एग्जाम और रिजल्ट में, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग भूल भी जाते हैं, तो जितना जल्दी हम लोग पैचअप होकर इसके लिए आगे बढ़ते हैं, दौड़ दौड़ में अगर आगे बढ़ते हैं तो उतना आगे हम लोग रहते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि अब अपने आप को, एक तो थोड़ा दुख हो ही रहा होगा कि कुछ नंबर से छूट रहा है 2-4 क्वेश्चन से, तो बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन इसको थोड़ा दबा के और इसको एक अपने अंदर एक दिल में आग जगा के जब हम लोग काम करेंगे, और अब ज्यादा दिन भी नहीं रहा है, अब मुश्किल से 6 महीना रहा है, अगर एक साथ रह के अगर पढ़ लिया जाए तो फिर अगले बार बहुत अच्छे रैंक से हो जाता है, और एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि अच्छा हुआ कि पिछले बार नहीं हुआ, नहीं तो सेकेंड ईयर लो कॉलेज के सेकेंड ईयर में रहती, इससे अच्छा है कि अभी फर्स्ट ईयर में ही है लेकिन एक टॉप कॉलेज में है। बहुत सही, मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार जितने भी बच्चे टॉप किए हैं वो लास्ट ईयर कुछ मार्क्स से छूटे थे, हालांकि इस बार हमारे टॉपर लिस्ट में अपियरिंग के स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने टॉप किया है, लेकिन खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो कुछ मार्क्स से छूट जाते हैं, उनके लिए फिर से मेरा वो लाइन रिपीट है कि अगर आपके पास अगर कुछ मार्क्स से इस बार छूटता भी है, तो आप उसका बहुत ज्यादा मलाल ना करें, शायद किस्मत में आपके पास इससे भी कुछ अच्छा लिखा हुआ है और वो आपको मिलने वाला है,
और इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने आनंद मिश्रा के रूप में थे कि पिछली बार जिस तरह से इनका छूटा था तो शायद ये उस चीज़ को छोड़ भी सकते थे, डिप्रेस भी हो सकते थे, डीमोटिवेट भी हो सकते थे, डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को चैलेंज के रूप में लिया। और उसी लाइन को मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा था क्योंकि आपके लिए भी वो लाइन बहुत ही मायने रखता है कि अगर कुछ छूट रहा है तो बस ये सोच के कीजिए कि इस बार छूट रहा है तो मैं अगली बार इससे अच्छे कॉलेज में जाऊंगा और ऑल इंडिया के लेवल के बेस्ट कॉलेज में मुझे जाना है, इसलिए शायद मैं इस बार छूटा हूँ। इसके साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो इस बार क्वालिफाई करने वाले हैं, जिन्हें इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाला है, उन सबको पूरे गोल संस्थान की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।